करनाल के नजदीक बड़ौदा गांव में सीवरेज का पानी घरों में घुसने से एवं सड़क पर आने से वहां के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर चारपाई डालकर मुनक करनाल रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सीवरेज का पानी घरों में घुसने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और स्कूल से आते जाते समय बच्चों का गड्ढे में गिरने का भय बना रहता है। कई बार यहां पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, परंतु संबंधित विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा, जिसके कारण एक परिवार यहां से पलायन कर चुका है और अन्य परिवार भी इस समस्या से परेशान होकर पलायन करने की बात कह रहे हैं। मौके पर उपस्थित ग्रामीण एवं कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री यहां से 10 मिनट के रास्ते पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आते हैं, जिनको बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो हवाई जहाज में सफर करते हैं, उनको जमीन पर रहने वाले लोगों की कोई सुध नहीं है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि अगर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है तो यहाँ से ग्रामीण पलायन कर जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। यहाँ हम आपको बता दें कि करनाल मुनक रोड पर सड़क पर बारिश का एवं सीवरेज का पानी भरा हुआ है, जो घरों में पीने के पानी के साथ मिक्स होकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसी समस्या से परेशान होकर ग्रामीणों ने जाम लगाने का यह कदम उठाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस समस्या का हल नहीं होता तो वह जाम नहीं हटाएंगे। वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने डंपर जेसीबी से मिट्टी मंगवाकर गड्ढों को भरने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने थोड़ी राहत की सांस ली। परंतु ग्रामीणों ने कहा कि यह कोई समस्या का परमानेंट हल नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया कि गंदे पानी के सीवरेज और गलियों में गड्ढों में खड़े पानी की निकासी जल्द से जल्द करवाई जाए। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस जाम के कारण आने जाने वाले वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा और दूर दूर तक ट्रैफिक जाम रहा। देखिए एक रिपोर्ट। क्या देखा आपने? आप लोग, एक महीने पहले मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो गया था, आज मेरे को दोबारा इस रोड का चार्ज दिया गया है। तो आज मेरे को टेलीफोनिकली मैसेज आया था कि भी जाम लगा रखा है। मैंने आके देखा है स्थिति को और ठेकेदार को जो जरूरी आदेश दे दिए हैं, कल से काम शुरू हो जाएगा। एक तरफ के नाले को बनाना शुरू करा दिया जाएगा, पानी निकालना भी शुरू हो जाएगा। निकासी नहीं हो रही गाँव की, और एक्शन साहब से और एमडीओ साहब से कई बार मिल चुके हैं और मैं सीएमडो में शिकायत दर्ज करवा चुका हूं और डीजी साहब को दे चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। और अब की बार मजबूरी में गांव के सभी लोगों ने आज इकट्ठा हो गए और गांव में जाम लगाया है कि हमारा जो समाधान है वो जल्दी से जल्दी किया जाए। कोई अधिकारी आया आपको? एक पीडब्ल्यूडी ये एसडीओ आए साहब हैं, पन्नू साहब आए हैं, वो आश्वासन दे रहे हैं कि कल, लेकिन वो आश्वासन तो हमारे को कई बार मिल चुके हैं, लेकिन कई बार दिया उन्होंने, लेकिन अब की बार भी कोई ठोस आश्वासन दिया उन्होंने ना उनके पास कोई ड्राइंग है, ठीक है भाई, गाँव का पानी का निकासी किस हिसाब से करेंगे, ना उनके पास कोई भाई तरीका है किस हिसाब से गाँव की निकासी करेंगे। वो आ गए हैं, आके अपना आश्वासन दे रहे हैं, कोई ठोस आश्वासन नहीं है। वो अपना आश्वासन ये दे रहे हैं कि कल ठेकेदार है, फोन कर दिया ठेकेदार को, कल आपका पानी निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी पानी निकालने की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। क्या नाम आपका? मेरा प्रदीप नाम है, गाँव बड़ौदा है। मैटर है ये तो जो लगातार एक साल से ये गाँव का काम जो बंद पड़ा है और लोगों के घर के अंदर जिस तरह से पूरे घर मकान के अंदर पानी घुसा हुआ है, लोग अपने घर में रह नहीं पा रहे, बच्चे बीमार हैं और मजबूरी वजह से एक परिवार तो गांव छोड़ के चला गया और दूसरे लोगों ने भी कहा कि अगर प्रशासन हमारी सुध नहीं लेगा, नहीं करेगा, तो ये लोग भी पलायन करने के लिए तैयार हैं यहाँ से। और लगातार जिस तरह से देख रहे हैं बच्चे यहाँ सड़क पे गिरते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल में जाती हुई गिर जाती हैं, घंटों घंटों जाम लगा रहता है। लगातार एक साल तक बार बार उपायुक्त महोदय के माध्यम से, सीएम विंडो से, तमाम सारे अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी थे, दूसरे अधिकारी, लगातार बार बार गुहार लगने के बाद भी कोई कार्रवाई आई नाले के ऊपर नहीं की, जिसकी वजह से आज घरों के अंदर पानी है, लोग मजबूर हैं नरक का जो जीवन जीने के लिए। तो आज सारे लोगों ने, पूरे गांव वालों ने फैसला किया था कि भैया प्रशासन इस बात का संविधान करे और सड़क इन्होंने बंद की। कब से बैठे हैं आप? ये तो सुबह से बैठे हुए हैं। तो कोई अधिकारी पहुंचा मौके पर? अधिकारी तो अभी पीडब्ल्यूडी से एसडीओ आए हुए हैं, एसएचओ साहब सुबह से मौके पर हैं, लेकिन अभी देखते हैं इसमें क्या ये लोग इस बात का संविधान निकाल पाते हैं। लेकिन गांव वालों को उम्मीद कम है इस बात से, क्योंकि बार बार प्रशासन ने बार बार इनको आश्वासन दिया लेकिन काम यहाँ पे कोई नहीं हुआ। वो पीडब्ल्यूडी जो है बीडीओ के ऊपर छोड़ देती है, बीडीओ के भी, बीडीओ का पंचायती राज का काम है, पंचायती राज कहता है एक्शन पीडब्ल्यूडी करेगा। गांव वालों को तो काम से मतलब है, सरकार से मतलब है, कोई भी इसको करके दे, लेकिन करके दे, लेकिन गांव में जिस तरह से लोग अपने नरक का जीवन जीने में मजबूर हैं, आज
सारा जो टॉयलेट का पानी है घरों के अंदर घुसा हुआ है। आप अगर जा करके देखोगे तो जिस तरह से वहाँ पे नाक बंद करके लोगों को रहना पड़ रहा है, रोटी खाने के लिए उनके पास जगह नहीं बची, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की बात है सरकार के लिए। और मुख्यमंत्री यहाँ से 10 मिनट के रास्ते PWD रेस्ट हाउस में आता है, मुख्यमंत्री तो 2 किलोमीटर भी प्रोग्राम है तो हेलीकॉप्टर चल जाता है। ये लोग गाँव के लोग कहाँ से हेलीकॉप्टर और कोठिया लेके आएंगे? ये तो आम ग्रामीण है, इनकी समस्या का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इस बात से बार बार पल्ला झाड़ती है। हमारी तो प्रार्थना है सब गाँव वालों की इसका जल्द से जल्द समाधान करें, नहीं तो ये लोग मजबूरीवश यहाँ से छोड़ करके डी साहब की कोठी पे अपने पशुओं को बांध देंगे, वहाँ पे डी साहब दूध निकाल लें या फिर ये निकाल लें, देखते हैं। मैं जो सड़क ना बनने के कारण गांव के अंदर है जी, उसके कारण विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि एक साल से गांव नरक का जीवन व्यतीत कर रहा है और सारे गांव गुआंड में बेइज्जती गांव की हो रही है, क्योंकि जब भी किसी की लड़की स्कूटी पे आती है तो वो गिर जाती है यहाँ और उसको चोट लग जाती है, वो बेचारी गाली देती हुई निकलती है प्रशासन को और गांव को भी जी। तो इसमें गांव का क्या कसूर है जी? जब प्रशासन इसको नहीं बना रहा, गांव थोड़ी बनाएगा जी इसको, रोड को तो प्रशासन बनाएगा। एक साल से गांव का बुरा हाल कर रखेगा प्रशासन ने, तो अब परेशानी हो रही है जो लोगों को आने जाने में, उसमें क्या कहेंगे आप? देखो यही लोग तो जो परेशान है, हमारी मजबूरी है क्या, लेकिन यही लोग भी तो परेशान, यही लोग तो हमें कहते हैं भी आप कुछ करते नहीं, आप गांव मरा हुआ है। जब भी कहीं भी जाते थे यही कहते हैं बड़ौता मरा हुआ है, बड़ौते पर जागृत क्यों नहीं होते, क्यों नहीं कुछ करते? इन लोगों के कहने भी कर रहे, क्या इनकी तो मजबूरी, हमारी मजबूरी है, क्या करे? कब से बैठे आप लोग? अब सवेरे 8 बजे बैठे हैं। तो क्या मांग करते हैं, मुख्य मांग क्या आपकी? हमारी मुख्य मांग है कि हमारे गांव की निकासी का प्रबंध करें और हमारे गांव के बीच की सड़क बनाए। कोई अधिकारी आए हैं सुबह? अभी तक कोई आया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।